तालिबान की आतंकवाद से सबसे बड़ी फैक्ट्री बिट्टा, भारत की नहीं पूरी दुनिया को तालिबान से नुकसान। कुर्सी और सत्ता की भूख ने बर्बाद किया पंजाब। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कहा कि तालिबान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान है। बिट्टा ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका में हमला किया था, यूनाइटेड नेशनल और बैठक का तालिबान पर पाबंदी लगाने पर विचार करना चाहिए, अन्यथा वहां मानव अधिकारों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुर्सी और सत्ता की भूख ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। साथ ही पंजाब में राजनीतिक गलियारों की वजह से 36,000 बेगुनाहों का खून बहा, वहीं सत्ता और कुर्सी की भूख ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। हम सब की गलतियों से पंजाब बर्बाद हुआ, लेकिन कोई सबक नहीं मिला। वहीं राजनीतिक लोग ही पंजाब को नोच कर खा गए। बिट्टा ने कहा कि पंजाब के खालिस्तान ना बने, इसीलिए हमने चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि कुर्सी व सत्ता की भूख ने पहले ही पंजाब को बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर फिल्म बन रही है। अब कोरोना मामलों में कमी आई है, जल्द फिल्म पर काम शुरू होगा। बिट्टा ने कहा कि संघर्ष आखिर भला क्या होता है, इतने बम इतने हमले क्यों झेले, राजनीतिक आतंकवाद कितना खतरनाक होता है, यह सब फिल्म में देखने को मिलेगा। आइए सुनिए कि बिट्टा ने और क्या कहा। क्या 36,000 बेगुनाहों का जो खून हुआ हमारी राजनीतिक गलतियों से, पंजाब में खून की नदियां बह गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए, घर घर में गोलियां चली, सन्नाटा था पंजाब के अंदर, क्या आपने उससे कोई सबक नहीं सीखा है? ये कल की बातें हैं। हमारी गलतियों से हुआ पंजाब बर्बाद, हमारी गलतियों से बहनों के सुहाग उजड़े, हमारी गलतियों से कई बहनों कई माओ कईयों का कत्लेआम हुआ, उनकी आंखों के सामने परिवारों को गोलियों से मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। आपने क्या सबक सीखा? कुर्सी थता की लालसा थी और आज भी उसी जगह पे खड़े हैं सारे हम, कुर्सी थता की लालच। पंजाब में छोड़ा क्या हम राजनीतिक लोगों ने, नोच नोच के खा गए हम पंजाब को कुर्सी सत्ता की भूख के कारण। हम भी तो आपके सामने हैं, एक बार चुनाव लड़ा, जबरदस्ती टिकट दिया, आतंकवादियों ने कहा बिट्टा चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, वोट डालने जाएगा हाथ काट देंगे लोगों के, हमने चैलेंज को कबूल किया, हमने अपने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए चुनाव लड़ा, हमने बच्चों को बचाने के लिए चुनाव लड़ा, हमने पंजाब को हिंदुस्तान से ना टूटे, पंजाब में खालिस्तान ना बने, हिंदुस्तान एक रहे, प्रथम राष्ट्र रहे, हमने चुनाव लड़ा, हमने बम खाए, हमने गोलियां खाई, पर हमने जो खून बहाया, कुर्बानी नहीं, कुर्बानी कहना पापा, जो हमने खून बहाया, उन खून का जिस तरीके से मूल बांटा है इन्होंने, है ना, उसकी कीमत ली है इन्होंने, हमने कीमत नहीं ली। अरे आपसे कुछ नहीं कहते हम, आपको कहते हैं सरदार बेअंत सिंह जी ने कुर्बानी दी, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कुर्बानी दी, हमने भी शरीर पे बम खाए। भैया इसकी अमन शांति के लिए कुर्सी सत्ता की रेस में मत भागो। 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पंजाब, खतरनाक एरिया बन चुका है पंजाब, पहले टेररिज्म अब नार्को टेररिज्म, उसकी सीमाओं की रक्षा है। और 20 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान अमृतसर से, 20-25 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान लाहौर, कुछ तो शर्म हम कर लें।